वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो देखो, आज हम बात करेंगे जो आपका बीपीएससी का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें आपका डीबीएमएस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आपका कंप्लीट हो गया है, कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट हो गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका कंप्लीट हो गया है, एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। मैंने लंबी लंबी क्लासेस लेके आपको इनको ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो सारे हमने कवर किए हैं, ठीक है। साथ ही साथ में मैंने आपको एमसीक्यूज का लिंक प्रोवाइड करवाया था। एक एमसीक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। हर सब्जेक्ट वाइज उसमें आपके क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ था भाई डेटा स्ट्रक्चर, फिर डेटा स्ट्रक्चर के बीच में हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमने 2 क्लासेस ले ली थी, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कर लिया था, आपका जो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, हीप ट्री, ये सारे टॉपिक हमने कर लिए थे, ठीक है। उसके अलावा क्रूस्कल एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये सब भी हमने किया था। आज हम क्या करेंगे, अगर आपने अपने ट्री 2 और ट्री 1 का क्वेश्चन पेपर उठाया है तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको ना इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसीलिए आज की क्लास में हम कंप्लीटली इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एंड ये टॉपिक आपके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को एकदम स्टार्टिंग से लेके एकदम उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम आज ही की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन आपके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आज की आपकी क्लास पूरी तरह से स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ही रहेगी। चलिए, वैसे हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जब हम टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कर रहे थे तो वहां पर भी देखा था, ठीक है। लेकिन ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको एक अलग से इस टॉपिक को करवा रही हूं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि भाई ये स्टैक क्या होती है। तो स्टैक क्या है, आपका एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर भी हमने 2 टाइप के देखे थे, एक लीनियर देखा था, एक नॉन लीनियर देखा था। स्टैक किस टाइप का है, स्टैक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। तो स्टैक आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आप जब भी जो एलिमेंट है उसका इंसर्ट कर रहे हो या फिर एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, ये दोनों ही ऑपरेशन कहाँ से परफॉर्म किए जाते हैं, जो स्टैक होता है उसके टॉप पर से परफॉर्म किए जाते हैं। ये दोनों ही ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया जाता है, एक ही जगह से परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। एंड उस एक जगह का नाम क्या है भाई, टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। उसके बाद देखिए, टू इम्प्लीमेंट द स्टैक इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पॉइंटर टू द टॉप ऑफ द स्टैक। अब अगर हमसे पूछा जाए कि स्टैक में कौन सा पॉइंटर होता है, तो उसके अंदर हम कौन सा पॉइंटर मेंटेन करते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है कि भाई आपको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए कि अब प्रेजेंटली उस पर्टिकुलर स्टैक में टॉप पर क्या है, ठीक है। तो ये आपको वहां पे पता होना चाहिए। और टॉप पर क्या होगा, टॉप पर होगा आपकी स्टैक का जो आपने लास्ट एलिमेंट इंसर्ट किया है वो वहां पे आपको शो होगा, ठीक है। वो पॉइंटर उस एलिमेंट को क्या करेगा, उसका एड्रेस शो करेगा। अब यहां पे देखिए, इसके अंदर स्टैक के अंदर कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है, तो लीफो का ऑर्डर फॉलो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि भाई जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो एलिमेंट सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, आपने किचन में क्या रखी हुई है, अपनी जो प्लेट्स होती है उनका आपने पूरा एक एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई है। अब अगर आपको सबसे नीचे वाली प्लेट चाहिए तो क्या करोगे, आप सबसे पहले उनसे ऊपर वाली प्लेट को रिमूव करोगे, तभी क्या करोगे, आप सबसे नीचे वाली प्लेट को ले पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो प्लेट आपने सबसे लास्ट में रखी थी उसको आपने सबसे पहले रिमूव किया, तो ये क्या हो गया आपका,
उसके अलावा स्टैक ऑफ फोल्डेड टॉवल्स, अगर आपने फोल्डेड टॉवल्स की एक पूरी तरह से स्टैक बनाई हुई है तो जो टॉवल आपने सबसे लास्ट में रखा था वो टॉवल सबसे पहले रिमूव होगा। तो ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ भी ले सकता है कि भाई ये इस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ये स्टैक है, क्यू है या फिर क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टैक के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पुश फंक्शन। पुश फंक्शन क्या करेगा, एलिमेंट को इंसर्ट करता है। सेकंड है आपका पॉप फंक्शन, ये एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है आपका टॉप फंक्शन। टॉप फंक्शन जो स्टैक है उस स्टैक का टॉप एलिमेंट आपको रिटर्न करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इज एम्प्टी फंक्शन। इज एम्प्टी फंक्शन क्या चेक करेगा, अगर आपकी स्टैक एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर आपकी स्टैक फुल है एम्प्टी नहीं है तो वो क्या देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इज एम्प्टी फंक्शन। एक होता है इसके अंदर साइज फंक्शन, ये आपकी स्टैक का साइज रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिए, एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, आपको एक स्टैक दे दी जाएगी, मतलब कि आपको इस तरह से एक सीक्वेंस दे दी जाएगी, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम 3 बार पुश करें, 2 बार पॉप करें, फिर 1 बार पुश करें, फिर 1 बार पॉप करें, तो फिर टॉप ऑफ द स्टैक में कौन सा एलिमेंट बचेगा, या फिर आपने सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट रिमूव किया, या फिर 40 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ना जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने रफली में क्या कर लेना, एक इस तरह से स्टैक को ड्रॉ करना, एंड फिर क्या करना, जैसे जैसे उसने ऑपरेशंस बताए हैं, जितनी बार पुश करना है, जितनी बार पॉप करना है, वैसे वैसे करते जाना, एंड लास्ट में आपको अपना जो भी आपको आंसर चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, जो बीपीएससी के एग्जाम है, इन सब में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये 20, 30, 40, 50, इसको मुझे क्या करना है भाई, पुश करना है, ये सारे एलिमेंट मुझे स्टैक के अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले तो क्या चेक होगा भाई, आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है, सबसे पहले ये चेक होता है। ठीक है, तो मेरी स्टैक फिलहाल क्या है, एम्प्टी है। मैंने इसके अंदर 20 को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, 20 आ गया, उसके बाद इसके अंदर 30 आ गया, फिर यहाँ पे 40 आ गया, एंड फिर आपका 50 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये टॉप ऑफ द स्टैक था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये, एंड अभी आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 50 है। अब मुझे क्या करने हैं, ये वन बाय वन मुझे पॉप करवाना है, एक एक एलिमेंट को रिमूव करवाना है। तो किस सीक्वेंस में रिमूव होगा, पहले आपका 50 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद आपका 40 क्या बन जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक बन जाएगा, फिर आपका 40 रिमूव हो जाएगा, 30 आपका टॉप ऑफ द स्टैक बनेगा, 30 रिमूव होके आपका 20 बन जाएगा, एंड यहाँ पे आपकी जो स्टैक है वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। एक एम्प्टी स्टैक में आप क्या नहीं कर सकते, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, अब देखो हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है, ये आगे भी बताऊंगी मैं आपको, एक होती है आपकी ओवरफ्लो एंड एक होती है आपकी अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि आपका स्टैक का जितना भी साइज है ना, आपने उतने एलिमेंट उसके अंदर इंसर्ट कर दिए हैं, जैसे कि मेरी इस स्टैक का साइज 1, 2, 3, 4, स्टैक का साइज 4 था, तो मैंने 4 एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब मैं यहाँ पे 60 एक 60 जो आइटम है इसको यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ, लेकिन ये स्टैक ऑलरेडी फुल है, तो इसका मतलब कौन सा आपके पास एक कंडीशन हो गई, ये ओवरफ्लो की कंडीशन यहाँ पे अराइज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मेरी स्टैक यहाँ पे एम्प्टी है, और मैं यहाँ से एक एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ, लेकिन जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो डिलीट किसको करेंगे, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, अंडरफ्लो की कंडीशन हो गई। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की जो दोनों की कंडीशन है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भाई ओवरफ्लो क्या है, आपका स्टैक का साइज फुल हो गया है, उसके बाद आप एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हो। अंडरफ्लो का मतलब क्या है, आपकी स्टैक एम्प्टी है और आप कोई एलिमेंट पॉप करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि भाई किस सीक्वेंस में ये पॉप हुए हैं एंड किस सीक्वेंस में ये पुश हुए हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैक में ये पुश एंड पॉप ये दो इंपॉर्टेंट आपके ऑपरेशंस हैं, एंड इन्हीं से किसी भी तरह घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे क्वेश्चन काफी इजी रहेगा,
लेकिन आपको बस उसकी लैंग्वेज को समझना है कि वो लैंग्वेज में क्या कह रहा है। अब यहाँ देखो, अदर नेम्स यूज्ड फॉर स्टैक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फिर चाहे वो एचटेट का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि भाई स्टैक या फिर क्यू, इनके दूसरे नाम क्या है। तो देखो, स्टैक का दूसरा नाम यहाँ पे आप पाइल्स भी बोल सकते हो, एंड यहाँ पे एक है आपका पुश डाउन लिस्ट, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट भी आपको स्टैक से ही रिलेटेड क्या है, एक टर्म रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पोस्टपोन्ड डिसीजंस। ये पोस्टपोन्ड डिसीजंस क्या होते हैं? तो देखो, स्टैक में हम पोस्ट स्टैक को हम कह रहे हैं कि भाई स्टैक आपकी यूज होती है पोस्टपोन्ड डिसीजन की वजह से, मतलब कि आप इस तरह से कह सकते हो कि आपके स्टैक में पोस्टपोन्ड डिसीजन यूज होते हैं। भाई कैसे यूज होते हैं वो देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसी को लो। अब यहाँ पे मुझे 20 मैंने इंसर्ट करवा दिया, अब मुझे क्या करना है, 30 इंसर्ट करना है। आप 30 कब तक इंसर्ट नहीं कर सकते? जब तक कि 20 की जो इंसर्ट होने की पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। जब आपकी 20 वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसी के बाद दूसरा यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म हो गए, नहीं, पहले एक कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट होगी, दूसरा क्या करेगा वहां पे वेट करेगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, पोस्टपोन्ड डिसीजंस कहते हैं, ठीक है। स्टैक आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा व्हेन सर्टेन स्टेप्स ऑफ द प्रोसेसिंग मस्ट बी पोस्टपोन्ड अंटिल अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। समझ में आया? अगर ये आपको ये कीवर्ड्स दिखाई दे तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, स्टैक रहेगा। आगे देखिए, अब आप स्टैक की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आप स्टैक को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आप स्टैक को एरे की फॉर्म में भी इंप्लीमेंट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, और लिंक लिस्ट की फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अब यहाँ पे देखिए, एरे रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या होता है, ये देखो एक एरे है। इस एरे को जनरली हम स्टैक को वर्टिकली बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एरे को हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं। तो इसीलिए अच्छे से समझ में आए, इसीलिए यहाँ पे आपकी जो स्टैक है उसको क्या किया गया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। इसको आप वर्टिकली भी शो कर सकते हो। तो ये क्या हो गई भाई, मेरी एरे हो गई, एंड इस एरे में देखो मेरी एरे का साइज है 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब कि एरे का साइज क्या होता है, जो आपका पहले ही क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। तो अगर आप स्टैक को एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके स्टैक का साइज क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यहाँ पे मेरी स्टैक का साइज क्या है भाई, 7 है। मतलब कि आप 7 एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, 7 से ज्यादा एलिमेंट को आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। ये एरे का क्या है, एक ड्रॉबैक भी है कि आप इसमें साइज को क्या नहीं कर पा रहे हो, बाद में इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, आपने पहले ही क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये हो गई भाई मेरी एरे, इसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट इंसर्ट किए हुए हैं, एक्स वाई और जेड। जेड क्या कहलाएगा आपका, ये लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, इसीलिए ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका, 3, ठीक है। देखो, एक वेरिएबल इसमें टॉप होगा एंड सेकेंड वेरिएबल इसके अंदर मैक्स स्टैक होगा। मैक्स स्टैक के अंदर भी 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, टॉप के अंदर 3 है, इसका मतलब तो ये कि यहाँ पे आपकी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है भाई, 3 है, ठीक है। लास्ट एलिमेंट आपका कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, 3 के ऊपर इंसर्ट हुआ है, और मैक्स स्टैक के अंदर भी 3 है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी तक 3 एलिमेंट इंसर्ट किए जा चुके हैं एंड टोटल 7 इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब 7 माइनस 3, अभी भी आप 4 एलिमेंट और इंसर्ट इसमें कर सकते हो, ठीक है। कितने एलिमेंट और इंसर्ट कर सकते हो, 4 एलिमेंट और इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पे 4 आएगा। तो मैक्स स्टैक क्या रिप्रेजेंट करवाता है भाई, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी हेल्ड बाय द स्टैक। दो वेरिएबल यहाँ पे होंगे, कौन कौन से, एक आपका टॉप वेरिएबल और एक आपका मैक्स स्टैक वेरिएबल। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, एक कंडीशन दे दी जाए, टॉप इज इक्वल टू 0 या फिर टॉप इज इक्वल्स टू नल, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है कि स्टैक क्या है आपकी, एम्प्टी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में
से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, काफी इजी से एंड काफी आराम से मैं आपको समझा रही हूँ एकदम सिंपल से लैंग्वेज में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मत समझना कि भाई केवल बीपीएससी का कोर्स स्टार्ट हो रखा है तो बीपीएससी के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है, नहीं। आप कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टैक एंड क्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे देखें। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था ना ओवरफ्लो की कंडीशन और अंडरफ्लो की कंडीशन। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन होती क्या है। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ओवरफ्लो की कंडीशन कब चेक की जाती है, अंडरफ्लो की कंडीशन कब चेक की जाती है, ऑप्शन में आपको वही मिलेगा, पुश और पॉप, या फिर दोनों या कोई भी नहीं। तो देखो, ओवरफ्लो की कंडीशन चेक की जाएगी जब आप कोई एलिमेंट पुश करते हो, ठीक है, मतलब का आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इंसर्ट कर रहे हो, तब कौन सी कंडीशन चेक होती है, ओवरफ्लो की चेक होती है। और जब आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, तब कौन सी कंडीशन चेक होती है, अंडरफ्लो की कंडीशन चेक होती है, ठीक है। अब यहां देखो, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, एरे रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई, अब लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है। वैसे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने आपको करवाया है, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सारे हमने आपको टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट यूज हो रही है। देखो यहाँ पे तीन एलिमेंट इंसर्ट किए गए हैं, ध्यान से समझो। और यहाँ पे ये क्या है भाई, आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, और ये क्या है आपका बॉटम ऑफ द स्टैक है। क्या समझ में आया कि जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपके यहाँ पे दो फील्ड है। पहली बात तो कितने फील्ड है भाई, यहाँ पे दो फील्ड है, ये इन्फो और एक होता है आपका लिंक फील्ड। इन्फो फील्ड के अंदर क्या होता है कि भाई आपका एलिमेंट कौन सा है वो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन होगी। लिंक फील्ड के अंदर क्या होगा कि आपका जो नेबरिंग नोड है उसका पॉइंटर यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इन्फो के अंदर तो आपका एलिमेंट, और लिंक के अंदर आपका नेक्स्ट वेरिएबल का या फिर नेबरिंग वेरिएबल का एड्रेस आपका लिंक फील्ड में शो करता है। इतना में समझ में आया। अब यहां देखो, टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या है आपका ट्रिपल एक्स, मतलब कि आप यहाँ पे इंसर्ट कहाँ पे कर रहे हो, इंसर्ट हो रहा है आपका स्टार्टिंग में। जब भी आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका एलिमेंट कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में इंसर्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या है आपकी टॉप ऑफ द स्टैक है, और ये क्या है आपकी बॉटम ऑफ द स्टैक है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, इसको टॉप ऑफ द स्टैक मत बना देना। और ये क्या है आपका नल पॉइंटर, क्या रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। समझ में आया इतना? अगर आपने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखा है तो आपको लिंक लिस्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे देखो, यहाँ पे जो आपका स्टार्ट पॉइंटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, टॉप पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। एंड जो आपका नल पॉइंटर है वो बॉटम ऑफ द स्टैक क्या कर रहा है, बॉटम ऑफ द स्टैक की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। पुश ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करोगे तो नोड कहाँ पे इंसर्ट होगा, आपकी लिंक लिस्ट के फ्रंट में या फिर उसके स्टार्ट में क्या होगा, इंसर्ट होगा। जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका एलिमेंट कहाँ से रिमूव होगा, स्टार्ट पॉइंटर जहां जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहीं से रिमूव होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपका क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से ही क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब यहां देखो, यहाँ पे मैंने पुश डी इंटू स्टैक लिखा है। क्या करना है भाई आपको, डी एलिमेंट को यहाँ पे पुश करवाना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एलिमेंट आपका टॉप पे है, जैसे ही आपने डी पे इंसर्ट किया तो D क्या बन गया आपका टॉप बन जाएगा, एंड इसके लिंक के अंदर A पॉइंट A वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे होता है, लिंक लिस्ट में डिलीट कैसे होता है, ये आपने टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में देखा था। अब यहाँ पे मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है, पॉप करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर A मेंशन ना भी करूं तो भी ये A ही यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। तो ए यहां से देखो रिमूव हो गया। अब टॉप क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, ठीक है। एंड ये बी का जो ये लिंक वाली जो लाइन है ना, वो भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, ठीक है।
अभी कितने एलिमेंट बचे यहाँ पे, केवल दो एलिमेंट रह गए। तो ये क्या है आपका, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक है। एडवांटेज क्या है भाई लिंक स्टैक का, कि इसके अंदर आप कितने भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जब एरे की बात आती है तो वहां पे आपको ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर वहां पे जितने मैक्सिमम जितने इंसर्ट कर सकते थे उतने अगर आपने इंसर्ट कर दिए हैं तो आप एक्स्ट्रा इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन लिंक स्टैक के अंदर आप कितने भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, यही क्या है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल देखो, इसी टाइप के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ पे क्या करना है भाई, पहले आपको पुश करना है बी को, फिर आपको पॉप करना है, फिर पॉप करना है, फिर करना है एम को, पुश करना है। आपसे पूछ लेगा कि लास्ट में कौन सा एलिमेंट बचा, या फिर दो एलिमेंट, ये दो बार पॉप करने के बाद टॉप पे क्या बचा, तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्या है आपकी भाई गिवन स्टैक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, बी को पुश करना है। तो यहाँ पे हमने बी को क्या कर दिया, पुश कर दिया, ये क्या बन गया आपका, टॉप ऑफ द स्टैक बन गया। फिर क्या करना है, पॉप करना है, कौन सा रिमूव हो जाएगा आपका, बी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये वापस से टॉप पे आ गया। फिर आपको यहाँ पे पॉप करना है, अब यहाँ पे कौन सा रिमूव हो जाएगा, एक्स आपका डिलीट हो जाएगा, ये क्या बन गया पॉप पे, ये आपका टॉप पे आ गया। ठीक है, फिर आपको पुश करना था एम, यहाँ पे हमने एम को पुश करवा दिया एंड ये क्या बन गया आपका टॉप बन गया। टोटल कितने एलिमेंट आ गए वापस से, थ्री एलिमेंट आ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई जो एम है, एम का नेबरिंग नोड क्या है, तो एम का नेबरिंग नोड वाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अप्लीकेशंस की। तो सबसे जो इसकी बड़ी अप्लीकेशन है वो है आपकी अर्थमैटिक एक्सप्रेशंस, एंड इसे हम पॉलिश नोटेशन भी कह देते हैं। कि क्या कह देते हैं हम इनको, पॉलिश नोटेशन भी कह देते हैं। पॉलिश नोटेशन में तीन नोटेशंस आती है, कौन कौन सी आती है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। ठीक है, इसे पॉलिश नोटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे एक पॉलिश के मैथमेटिशियन ने इन नोटेशंस को दिया था। ये इसका नाम है पॉलिश मैथमेटिशियन जैन ने क्या किया था, ये नोटेशंस दी थी, एंड इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है, पॉलिश नोटेशन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अंदर वैसे तीन नोटेशंस है, एक आपकी इनफिक्स है, एक आपकी प्रीफिक्स है और एक आपकी पॉलिश है, पोस्टफिक्स है। ठीक है, अब यहां देखो जो इनफिक्स नोटेशन होती है वो क्या होती है भाई, इसके अंदर जो आपका ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड के बीच में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस बी, सी माइनस डी, ई मल्टीप्लाई एफ, जी बाई एच, यहाँ पे क्या है आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के बीच में है। ये क्या है आपकी, जो आप जनरली जो एक्सप्रेशन यूज करते हो वो क्या होता है आपका, इनफिक्स नोटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉलिश नोटेशन है भाई, ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये पॉलिश के मैथमेटिशियन ने दिया था। ठीक है, जो ये तीन नोटेशन है, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, उसमें पॉलिश नोटेशन का दूसरा नाम क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स नोटेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिश नोटेशन भी कह देते हैं। एंड प्रीफिक्स के अंदर जैसे नाम से क्या पता चल रहा है भाई, पहले आएगा प्री, तो इसमें जो आपका ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड से पहले आता है, जैसे प्लस ए बी, माइनस सी डी, मल्टीप्लाई ई एफ बाय जी एच। ठीक है, पॉलिश नोटेशन ऑल्सो नोन एज प्रीफिक्स नोटेशन। अब यहां देखो ऑपरेटर की प्रिसिडेंस की अगर बात करें तो एक्सपोनेंशियन को हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, इन दोनों की सेम प्रायोरिटी है। ठीक है, अगर ये दोनों ऑपरेटर आपको देखने को मिले तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई को एंड देन डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर आपका प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस में पहली प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब चलिए यहां पे देखते हैं एग्जाम्पल कि अगर आपको इनफिक्स को पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। तो यहां देखो ये क्या है आपका, a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। एक बात और ध्यान रखना कि जो इनफिक्स नोटेशन होती है उसमें पैरेंथेसिस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है उसके अंदर हम पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते। इनफिक्स के अंदर क्या होता है, आपके पैरेंथेसिस का रोल होता है। ठीक है, तो यहां देखो
ए प्लस बी मल्टीप्लाई में सी, कैसे आप इसको इनफिक्स को पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले पैरेंथेसिस का सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल से भी ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आपकी ब्रैकेट की होती है। तो ए प्लस बी को कैसे सॉल्व कर लोगे, प्लस ए बी, और यहाँ पे आप अब इंटरमीडिएट कौन सी ब्रैकेट्स का यूज करोगे, यहाँ पे स्क्वेयर लार्ज ब्रैकेट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस ए बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। अब ये पूरा तो एक ही एक्सप्रेशन बन गया, एंड मान लीजिए इसको हम एक नाम दे देते हैं एक्स मल्टीप्लाई में सी। एक्स मल्टीप्लाई में सी कैसे सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स सी, एक्स की वैल्यू क्या थी, प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी। इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वेयर लार्ज ब्रैकेट्स का यूज किया है, जिससे कि हम इसको एक अलग नाम दे सकें, जैसे कि एक्स वाई जेड, और फिर क्या रहे हमारे लिए, सिंपल रहे, कंफ्यूजिंग ना रहे सॉल्व करना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया इतना हमें, चलिए आगे देखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई बी सी, स्क्वेयर लार्ज ब्रैकेट में रख दिया, इसको एक और नाम दे दिया हमने एक्स, ए प्लस एक्स कैसे हो जाएगा, प्लस ए एक्स, प्लस ए, और एक्स की वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई बी सी, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद है ए प्लस बी डिवाइड बाय सी माइनस डी। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे साथ साथ में। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया प्लस ए बी, यहाँ पे सॉल्व कर लिया माइनस सी डी, इसको नाम दे दिया एक्स, इसको नाम दे दिया वाई, क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय एक्स वाई। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय, एंड एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस ए बी, और वाई की वैल्यू क्या रही, माइनस सी डी। अगर आप इस तरह से मतलब इन वैल्यूज को एक अलग वेरिएबल दे के चलोगे ना, तो आपको ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफी इजी रहते हैं सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में अगर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो काफी इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि पॉलिश नोटेशन में नो नीड ऑफ पैरेंथेसिस। उसके बाद जो आपकी थर्ड नोटेशन है वो है आपकी रिवर्स पॉलिश नोटेशन। देखो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोस्ट फिक्स का दूसरा नाम क्या है, या फिर रिवर्स पॉलिश नोटेशन का दूसरा नाम क्या है, प्रीफिक्स है, पोस्ट फिक्स है, या फिर इनफिक्स है। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन हम पोस्ट फिक्स को कहते हैं या फिर सफिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा आपका, पोस्ट का मतलब कि बाद में, आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद में आएगा, जैसे यहाँ पे ए बी प्लस सी डी माइनस ई एफ मल्टीप्लाई जी एच डिवाइड, ठीक है, इस तरह से आएगा। इस नोटेशन में भी आपको पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहाँ पे आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कि आपको इनफिक्स से, जनरली आपका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट आपका कन्वर्जन पूछा जाता है, या फिर पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन पूछा जाता है। प्रीफिक्स का इतना नहीं पूछा जाता है, प्रीफिक्स का आपका डायरेक्टली कुछ इस टाइप से पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको एकदम एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेगा तो वो इसी का मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस करें तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना कि पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे करोगे, या पोस्ट फिक्स को प्रीफिक्स में कैसे करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनमें इनको इनफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन इनफिक्स के बाद आप उसको दूसरी नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। डायरेक्टली प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में या फिर वाइस वर्सा काफी डिफिकल्ट रहता है, तो पहले आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, इनफिक्स को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका कन्वर्जन करते हैं। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि आपके कन्वर्जन कैसे परफॉर्म होते हैं। पहले हम पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स करेंगे, देन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखो, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी एक पोस्ट फिक्स नोटेशन गिवन है, ठीक है। 5.6.2 प्लस मल्टीप्लाई 12.4 डिवाइड बाय माइनस, ये क्या है भाई, मेरा पूरा पोस्ट फिक्स के अंदर एक्सप्रेशन गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे कोमाज नहीं दिए हैं तो आप खुद मान लेना कि इनके बीच में कोमाज है। कोमाज आर यूज टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ पी, सो दैट 562 इज नॉट इंटरप्रेटेड एज 562। अब हमें क्या करना है, इसका जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट करना है। यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं,
पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, ये एक्सप्रेशन जो गिवन है ना इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भाई इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या आएगा वो। एंड थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इतनी बार पुश कर दे कि कितना, मतलब कि कितने यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुए, कि कितने यहाँ पर पुश ऑपरेशन लगे हैं, कितने यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। एक फोर्थ इस टाइप से भी पूछ सकता है कि भाई 3 बार पॉप करने के बाद रिजल्ट क्या आया, मतलब वो फाइनल रिजल्ट नहीं पूछ रहा है, वो इंटरमीडिएटरी रिजल्ट पूछ रहा है, जब आपने 3 बार पॉप कर दिया तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछता है, ठीक है। एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक एल्गोरिदम होती है, आपको वो एल्गोरिदम समझनी पड़ेगी। अगर आपको एल्गोरिदम समझ में आ गई तो आप ये वाले क्वेश्चंस काफी इजिली 2-3 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो। देखो एल्गोरिदम क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए एल्गोरिदम क्या है, तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है कि आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके एंड में क्या करनी है, एक राइट पैरेंथेसिस ऐड कर देनी है, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या काम है कि भाई आप क्या करो, अपने गिवन एक्सप्रेशन के एंड में राइट पैरेंथेसिस को ऐड कर दो। फिर सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप उस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट क्या करोगे, स्कैन करोगे, और जो आपका थर्ड और फोर्थ स्टेप है उसको रिपीट करते रहना है, कब तक, जब तक कि आपको ये राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती। जैसे ही आपको ये राइट पैरेंथेसिस मिल गई इसका मतलब क्या हो गया, आपकी स्टेप का यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। अब ये थ्री और फोर्थ स्टेप में क्या है वो देखो, स्टेप थर्ड कहता है आपका कि अगर कोई ऑपरेंड आता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसको सिंपली स्टैक के अंदर पुश कर देना है। अगर ऑपरेंड मिला तो क्या करोगे, स्टैक में उसको पुश कर दोगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, देखो या तो ऑपरेंड मिलेगा या ऑपरेटर मिलेगा, अगर ऑपरेंड मिला है तो हमें क्या करना है, पुश ऑपरेशन अप्लाई करना है, और अगर आपको ऑपरेटर मिल गया तब आप क्या करोगे कि आपकी जो स्टैक है उसमें जो टॉप एलिमेंट है ना, दो टॉप एलिमेंट, रिमूव दी टू टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको पॉप करवाना है। पॉप ऑपरेशन कब परफॉर्म होगा, जब आपको कोई यहाँ पे ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है। एंड ये दोनों स्टेप आपको कब तक रिपीट करने हैं, जब तक कि आपको ये राइट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती, ठीक है। अब जैसे ही आप ये दो एलिमेंट को पॉप करवाओगे फिर आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे भाई, बी मल्टीप्लाई में ए, बी मल्टीप्लाई ए का मतलब क्या हुआ, देखो ए इज द टॉप एलिमेंट एंड बी इज द नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट, तो आपका ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होगा, बी मल्टीप्लाई ए, मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बी मल्टीप्लाई ए मतलब कि जो टॉप एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा एंड नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट यहाँ पे आएगा। इतना जोर दे के क्यों बता रही हूँ कि अगर ये सीक्वेंस आपने गलत लिख दी ना, ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, तो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा भाई, ये बी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बी के ऊपर क्या, बी और ए के बीच में क्या होगा, आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। समझ में आया, सिंपल सी एल्गोरिदम है। क्या करना है भाई आपको, राइट पैरेंथेसिस को आपको यहाँ पे ऐड करनी है, उसके बाद अपना लेफ्ट टू राइट क्या करते जाना है, स्कैन करना है, ऑपरेंड मिले तो पुश कर देना, ऑपरेटर मिले तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम यहाँ पे। अब आपका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे देखो, एंड जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको क्या करना है, वापिस से स्टैक के अंदर पुश कर देना है, इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका एग्जाम्पल, जो पीछे जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस ऐड कर दी, तो ये मेरा गिवन एक्सप्रेशन था, मैंने यहाँ पे देखो लास्ट में क्या कर रखी है, यहाँ पे पैरेंथेसिस ऐड कर रखी है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगी तो मैंने यहाँ पे लेबलिंग दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद लेबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टेप को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक टेबल बना लीजिएगा, टेबल से ही करना, अगर टेबल बना के चलोगे तो काफी इजी रहेगा, ठीक है। एक साइड में लिख लीजिएगा जो भी सिंबल आप स्कैन कर रहे हो वो, एंड दूसरी साइड में आपकी स्टैक, ठीक है।
एंड यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन ये भी लिख सकते हो, एक और कॉलम बना के आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो। सबसे पहला क्या है भाई, फाइव है, फाइव है तो पुश करेंगे, तो मैंने यहाँ पे फाइव को पुश कर दिया। फिर क्या मिला मुझे, सिक्स, सिक्स की भी स्टैक के अंदर चला गया। फिर आया टू, टू भी स्टैक के अंदर आ गया। अब क्या मिल गया मुझे, प्लस, एक ऑपरेटर मिला है। देखो यहाँ पे क्या मिला है आपको, एक ऑपरेटर मिला है, ठीक है। अब ऑपरेटर मिला है तो आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको लास्ट के टू, जो टॉप टू एलिमेंट है उनको रिमूव करना है। तो टॉप टू एलिमेंट मेरे हैं सिक्स और टू। अब इसमें टॉप एलिमेंट आपका टू है और नेक्स्ट टू टॉप एलिमेंट आपका सिक्स है। इसका मतलब टू आपका यहाँ पे ए है और सिक्स आपका यहाँ पे बी है। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना था आपको, बी और ए के बीच में क्या लगाओगे आप, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, सिक्स प्लस टू क्या आ गया हमारा, एट, एट रिजल्ट आया। वापिस से स्टैक के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया, 5,8, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, जितने भी आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे ना, इनको ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे। क्यों लिखा है, जब मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन यहाँ से इवेलुएट करूंगी तो मुझे काफी इजी रहेगा, तो इसीलिए मैंने इनको ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब चलिए आगे देखिए क्या आया आपका, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर से ऑपरेटर आ गया। अब क्या करना है आपको, दो एलिमेंट को पॉप करवाना है, तो दो एलिमेंट आपके फाइव और एट है, क्या करनी है आपको, फाइव मल्टीप्लाई में एट, क्या आ जाएगा रिजल्ट, 40, 40 रिजल्ट आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने उसको वापस से स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया भाई, मेरा एलिमेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर तो सिंपली पुश कर दिया, ऑपरेंड है, सॉरी, 12 क्या है आपका, ऑपरेंड है, और उसको मैंने पुश कर दिया, ठीक है। फिर आपका आया फोर, फोर भी आपका स्टैक के अंदर चला गया। फिर आपका आया डिवाइड, क्या है भाई, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है तो पॉप करेंगे, 12 और 4 को हमने यहाँ पे पॉप कर दिया। देखो अब मैंने इसीलिए बताया था कि अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है ना, मान लीजिए सीक्वेंस याद नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, 4/12 भी कर सकते हो, रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, ये 12/4, रिजल्ट क्या आ गया, 3, एंड इसको मैंने यहाँ पे वापिस से इंसर्ट करवा दिया, हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, माइनस है, माइनस यहाँ पे आएगा, 40-3 कितना हो जाएगा, 37, फाइनल वैल्यू क्या मिली आपको, 37, ठीक है। क्यों, क्योंकि लास्ट में आपको देखो राइट पैरेंथेसिस मिल गई है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, आपका जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है उसको इन फिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इजी सा था, काफी सिंपल है, आराम से हम कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम क्या देखेंगे कि इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से आपको वैल्यू तो मिल गई 37, अब मुझे इनफिक्स एक्सप्रेशन बनाना है, वो कैसे बनाऊंगी। तो देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे देखिए, पहली तो बात, चार बार आपने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है एंड पांच बार आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भाई कितनी बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, कितनी बार पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, बीपीएससी के ही शायद एग्जाम में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना, अगर आपको सिंपली आपसे ना सिंपल ये पूछा है कि भाई कितने पुश हुए कितने पॉप हुए, तो आपको ये टेबल ड्रॉ नहीं करनी है, ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप काउंट कर लीजिए, जितने ऑपरेंड है उतने पुश ऑपरेशन होंगे और जितने ऑपरेटर है उतने पॉप ऑपरेशन होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार पुश ऑपरेशन होगा, 1, 2, 3 एंड 4, 4 बार आपका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये टेबल कब बनानी है, जब आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट नहीं करना आ रहा तब, और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी जा रही है तब, या फिर आपसे इंटरमीडिएटरी वैल्यू पूछ ले, भाई 3 बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, 2 बार किया तब क्या रिजल्ट आया, तब तब आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है। सिंपल पुश और पॉप ऑपरेशन पूछ रहा है तो क्यों बनानी है टेबल, है ना, वैसे ही बता सकते हम। चलिए आगे देखते हैं, फाइनल वैल्यू भाई 37 आ गई। अब ये इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किया मैंने, देखो मैंने बताया था ना पैरेंथेसिस ऐड करते जाना, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉप ऑपरेशन किया था, तो मैंने 6+2 को लिख लिया, तो मैंने अपने 6+2 को देखो यहाँ पे लिख लिया। एंड इसको मैं अगर मैं नाम दे दूं एक एक्स, ठीक है, एक्स नाम दे दिया। 6+2 से वैल्यू आई थी 8, अब ये 8 ने किसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया, इस 8 ने 5 के साथ मिलके मल्टीप्लीकेशन किया था, तो 5 × x, है ना, क्योंकि 6+2 ही तो 8 बना था, तो 5 × x, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 6+2 लिख दिया। तो यहाँ सिंपली देखिए 5 × 6+2 हो गया, इतना कैलकुलेट हो गया। इसके बाद कौन सा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था,
इसके बाद हुआ था आपका 12 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 डिवाइड बाय 4 मैंने लिख दिया, अभी बीच में क्या आएगा वो अभी तक नहीं पता है। उसके बाद देखिए 12 डिवाइड बाय 4 से आपका जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3, एंड इस एक्सप्रेशन से आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो थी आपकी 40। तो 40 और 3 के बीच में भाई माइनस का ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का ऑपरेशन। देखो सिंपल सा था ना, आपने कैसे पोस्ट फिक्स से इनफिक्स कैलकुलेट कर लिया। अगर आप ये टेबल नहीं ड्रॉ करते हो और आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, आप इस गिवन एक्सप्रेशन में ही उलझ के रह जाओगे कि भाई क्या प्लस लगाऊं पहले, क्या मल्टीप्लाई लगाऊं। सिंपल, इतनी देर में तो आप टेबल बना के आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप ये क्या करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे देखो, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, यहाँ पे गिवन मैंने सॉल्यूशन है, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैच करिएगा अपना आंसर कि आपका आया या नहीं आया। ये देखो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन में क्या क्या है, यहाँ पे 12 7 3 माइनस डिवाइड 2 और ये 1 है, ठीक है, 5 प्लस मल्टीप्लाई प्लस, क्या किया मैंने यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस ऐड कर दी, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आपको स्कैन करना है, ऑपरेंड मिले तो पुश करना है, और अगर आपको ऑपरेटर मिले तो आपको टू टॉप जो एलिमेंट है उनको रिमूव करवाना है और वो ऑपरेटर अप्लाई करवा देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए अपना नोटबुक में इसको सॉल्व करना, एंड ये जो गिवन टेबल है इसके साथ अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। तो सिंपल सा है भी, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। तो ये क्या है आपका गिवन सॉल्यूशन है इसका, ठीक है, चेक कर लेना क्या आंसर आया यहाँ पे। फाइनल वैल्यू इसकी कितनी आई है भाई, फाइनल वैल्यू आपकी 15 आई है, ठीक है। 6 बार पुश ऑपरेशन हुए, 5 बार पॉप ऑपरेशन हुए, एंड ये इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं भाई इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये देखो कैसे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। पोस्ट फिक्स से इनफिक्स तो बड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसके एल्गोरिदम देखो क्या है। सबसे पहले आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस, क्योंकि इनफिक्स के अंदर पैरेंथेसिस का काफी रोल होता है, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आपकी राइट पैरेंथेसिस है उसको आपने अपने गिवन एक्सप्रेशन के एंड में ऐड कर दिया। फिर वही आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हुए चलना है, और 3 से लेके 6 तक के जो स्टेप है उनको आपको रिपीट करना है। कब तक, जब तक कि आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। अब ये 3 से लेके 6, 3 to 6 में कौन कौन से स्टेप है वो देखो। सबसे पहली बात तो है भाई, अगर ऑपरेंड आ जाए तो आपको क्या करना है, उसको ऐड कर देना है, ठीक है, पुश कर देना है, एड इट टू पी। उसके बाद अगर आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गई तो आपको क्या करना है, पुश इट ऑन टू स्टैक, और अगर आपको ऑपरेटर मिल जाता है तब क्या करोगे, पॉप करोगे। देखो ऑपरेटर मिल गया तो आपको क्या करना है, पॉप करना है, ठीक है, फ्रॉम स्टैक एंड एड टू पी ईच ऑपरेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंस दैन ऑपरेटर। अब इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मान लो आपकी जो, जहां पे आप अपने जो ऑपरेटर्स है उनको डाल रहे हो, वहां पे आपके कुछ इस टाइप से ऑपरेटर्स है, माइनस वहां पे आपका क्या है, आपका सिर्फ माइनस है, ठीक है, और जो दूसरा आपका ऑपरेटर आया वो था भाई स्टार। अभी आपको क्या मिल गया, पहले ही एक ऑपरेटर माइनस है और अभी आपको जो दूसरा ऑपरेटर मिला है वो स्टार है। अब यहाँ पे माइनस और स्टार दो ऑपरेटर है, इस लाइन का मीनिंग समझो कि क्या कह रहा है। अब यहाँ पे आप ऑपरेटर मिलेगा तो आपको पॉप करवाना है, ये बात हुई है, ठीक है, लेकिन आपको दो ऑपरेटर मिल गए माइनस और स्टार। अभी पॉप कब होगा, जब या तो उनकी सेम प्रिसीडेंस हो, माइनस और स्टार की सेम प्रिसीडेंस नहीं है, माइनस और प्लस की सेम प्रिसीडेंस है, स्टार और डिवाइड की सेम प्रिसीडेंस है, ठीक है, या फिर उसकी हायर प्रिसीडेंस हो। हायर प्रिसीडेंस किसकी हो, जो पहले से जो ऑपरेटर है ना उसकी हायर प्रिसीडेंस होनी चाहिए। अगर माइनस की तो प्रायोरिटी कम होती है, स्टार की ज्यादा है, तो यहाँ पे कोई पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, सिंपली आपका स्टार ऐड हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी साइड, अगर यहाँ पे मेरा पहले डिवाइड होता, डिवाइड भी नहीं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता, ठीक है,
डिवाइड नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहिए, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मेरा यहाँ पे, और अब क्या आया है भाई, स्टार आया है, ठीक है। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की है, तो यहाँ पे क्या कौन सा पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस लाइन का मीनिंग है, एंड ये ही मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स में, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्योंकि अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा आंसर क्या है भाई, गड़बड़ ही है। ओके, चलिए आगे देखिए। अगर आपको राइट पैरेंथेसिस मिल जाती है तब आप क्या करोगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। अगर आपको राइट पैरेंथेसिस मिल गई तब क्या करना है, आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कब तक परफॉर्म करते रहोगे, जब तक कि आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए, ठीक है। उसके बाद उस लेफ्ट पैरेंथेसिस को वहां से रिमूव कर देना एंड एग्जिट। तो सिंपल सा समझ में आया भाई हमें। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। एल्गोरिदम समझ में आ गई ना, तो एग्जाम्पल तो समझ में आ ही जाएगा। अब यहां देखिए, ये है आपका एग्जाम्पल, क्या कह रहा है भाई, ए प्लस आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस बी मल्टीप्लाई सी, ये कोई ये नहीं है, ठीक है, इसको कट कर देना, माइनस आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस डी बाई ई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एफ पैरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाई जी पैरेंथेसिस क्लोज मल्टीप्लाई एच। क्या है ये, मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, मुझे इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये, अब यहां पे देखो, सबसे पहले तो भाई पहला स्टेप था, मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करनी है और राइट पैरेंथेसिस ऐड करनी है। राइट पैरेंथेसिस आपको गिवन एक्सप्रेशन में ऐड करनी है, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। और यहाँ पे आपको जो टेबल बनानी है उसमें आप तीन कॉलम, वही तीन कॉलम, सेम सिंबल, स्टैक, एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो हमने स्टैक में ऐड कर दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या मिला, ए क्या है, ऑपरेंड एक्सप्रेशन में लिख दिया। फिर क्या मिला, प्लस क्या है आपका ये ऑपरेटर, कहां पे लिखोगे, स्टैक के अंदर हमने इसको इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। फिर क्या मिली मुझे, लेफ्ट पैरेंथेसिस भी आपकी स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। फिर क्या मिला मुझे, बी क्या है आपका, ऑपरेंड कहां पे चला जाएगा भाई, ये एक्सप्रेशन में चला जाएगा, एंड ये आपकी स्टैक सेम रहेगी। उसके बाद मुझे मिला है मल्टीप्लाई ऑपरेटर, कहाँ पे जाएगा आपका, स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गया है। फिर क्या मिला मुझे, ऑपरेंड सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या मिल गया मुझे, माइनस क्या मिला है मुझे, माइनस। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया ना, पहले से क्या है मल्टीप्लाई, और अभी क्या मिला है, माइनस। तो मल्टीप्लाई की अगर हाइएस्ट प्रायोरिटी है तब तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर मल्टीप्लाई की लोएस्ट प्रायोरिटी है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई और माइनस में किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, मल्टीप्लाई की होती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे ऐड हो गया और आपका जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना में समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या मिला मुझे, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिली, वो मैंने यहाँ पे ऐड करवा दी। उसके बाद नेक्स्ट आपको डी ऑपरेटर ऑपरेंड मिलेगा, वो यहाँ पे ऐड हो गया। फिर मुझे क्या मिला भाई, वहां पे डिवाइड मिला, एक्सप्रेशन अपना लिखते जाइए एक बार, ठीक है, अलग से। यहाँ पे मुझे डिवाइड मिला, यहाँ पे डिवाइड आपका स्टैक में ऐड हो गया। फिर मुझे ई ऑपरेंड मिला, ई आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मिला। अब चेक करिए कि डिवाइड और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की हाईएस्ट है। अगर डिवाइड की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता, लेकिन अब परफॉर्म नहीं होगा, तो सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आपका यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद भाई एफ मिला है, एफ यहाँ पे चला गया। फिर मुझे राइट पैरेंथेसिस मिल गई। अब राइट पैरेंथेसिस मिल गई तो आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कब तक, जब तक कि आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यहाँ चला जाएगा, फिर आपका डिवाइड बाय यहाँ चला जाएगा। अब ये लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गई है, इसको हटा दीजिए, आपके स्टैक के अंदर सिर्फ इतने एलिमेंट्स रिमेनिंग रह जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या मिल रहा है भाई, आगे मिल रहा है मुझे स्टार, माइनस की लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसलिए पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। फिर आया भाई जी,
जी आ गया तो ऐड हो गया, फिर आपको फिर से राइट पैरेंथेसिस मिल गई है, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन दोनों के लिए, पहले स्टार चला जाएगा फिर आपका माइनस चला जाएगा वहां पर, और इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। फिर मुझे क्या मिला यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बच गया स्टैक के अंदर, एंड ये मिला स्टार, स्टार यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस की लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। फिर मिला मुझे एच, एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर से राइट पैरेंथेसिस मिली है तो पहले स्टार चला जाएगा फिर प्लस चला जाएगा, एंड लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम रिमूव कर देंगे। अब आपकी स्टैक क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई है। ये क्या मिल गया हमें यहाँ पे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल गया। समझ में आया, इजी सा था, क्या करना है भाई, एल्गोरिदम समझ में आ गई है। मेन रोल तो बस इसी का है कि लोएस्ट और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे सॉल्यूशन भी गिवन है, बाद में अपना सॉल्यूशन यहाँ पे मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको मैच कर लेना, हो जाएगा इतना। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। अब ये सिंपल से है, देखो वो इस तरह से भी आते हैं और ये सिंपल सिंपल इस तरह से भी पूछ लेता है। इन फिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी बात है। इन ये जो इतने सिंपल से है ना, इनके लिए आपको टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफी इजी से है क्योंकि पैरेंथेसिस गिवन है। कैसे करोगे, पहले इस पैरेंथेसिस वाले को सॉल्व कर लो, जैसे अभी मैंने आपको इनफिक्स टू प्रीफिक्स बताया था उसी तरह से इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हो जाएगा। ए बी माइनस हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा, डी ई डिवाइड हो गया। इसको एक्स दे दीजिए, इसको वाई नाम दे दीजिए, एक्स मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू लिख दीजिएगा, वाई की वैल्यू लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर डी एंड डिवाइड ई माइनस एफ प्लस जी। अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके एक्सपोनेंशियल की है, तो हमने इसी को सॉल्व कर लिया, बी डी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसको ब्रैकेट्स में रख दिया। अब फिर से क्या करिए, इसको सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा, ए बी डी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर प्लस हो जाएगा सॉल्व। एंड इस साइड से यहाँ पे इसको देखेंगे तो ई एफ माइनस हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज यहाँ पे रख दिया, ई एफ माइनस प्लस जी। अब किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड और प्लस में किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, आपके डिवाइड की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो यहाँ पे डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ये आपका एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा। अगर आपको इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इनको एक्स और इसको वाई मान लीजिएगा, ठीक है, प्लस में जी। क्या बच गया अब हमारा, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, जी आपका दूसरा एक्सप्रेशन है, लास्ट में प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए मल्टीप्लाई बी प्लस डी डिवाइड ई माइनस एफ मल्टीप्लाई जी प्लस एच बाई के। तो जो ब्रैकेट्स में गिवन है पहले उनको सॉल्व करना यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो पैरेंथेसिस होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो इसको सॉल्व कर लिया, बी बी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम, प्लस और डिवाइड में पहले क्या है आपका, तो यहाँ पे सॉल्व करिए एच के डिवाइड, ठीक है, उसके बाद करेंगे जी एच के डिवाइड प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, ए बी डी प्लस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, इसीलिए हमने पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया है, डिवाइड ई माइनस एफ मल्टीप्लाई में ये एक्सप्रेशन, ये आपका एक हो गया, ये आपका एक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड को सॉल्व करिए यहाँ पे, तो डिवाइड को सॉल्व कर लिया हमने, क्या आ जाएगा, ए बी डी प्लस मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाई, फिर उसके बाद माइनस है, एंड ये एफ आपका इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, तो एफ जी एच के डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका माइनस सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे आप एक नॉर्मल एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हो उसी तरह से आपको यहाँ पे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम ये आपके कुछ और एग्जांपल्स है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में भी इनफिक्स टू प्रीफिक्स को डिस्कस किया था। अब चलिए बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना इसका, अब चलिए बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक के, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में यूज होता है, ठीक है, आपका क्विक शॉर्ट के अंदर स्टैक यूज होती है, रिकर्शन के अंदर स्टैक यूज होता है, फिबोनाची सीक्वेंस में आपका स्टैक यूज होता है, एंड ये आपके फिबोनाची सीक्वेंस है। एग्जाम में कई बार डायरेक्टली यही पूछ ली जाती है कि भाई फिबोनाची सीक्वेंस इनमें से कौन सी है, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे तो आप ये देख लेना, ये आपकी फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिदम, क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिदम में आपकी क्विक शॉर्ट यूज होती है, रिकर्शन में भी यूज हो जाता है, तो ये स्टैक में भी आपका हम मान लेते हैं कि भाई स्टैक में भी डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिदम लगती है, ठीक है। एक आपका एकरमैन फंक्शन, ये भी आपका स्टैक से ही रिलेटेड है,
एंड ये फंक्शन क्या है देखो, अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इज अ फंक्शन विद टू आर्ग्यूमेंट्स ईच ऑफ विच कैन बी असाइंड एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है टावर्स ऑफ हनोई, ये भी आपका स्टैक में ही आता है। एंड टावर्स ऑफ हनोई आपने देखा होगा ना, आप अपने बच्चों को लाके एक ये गेम देते हो जिसमें आपको ये स्टैक आपको क्रिएट करनी होती है, तो वो क्या है आपके टावर्स ऑफ हनोई है। एंड यहाँ पे ये तीन स्टैक है ना। अब यहाँ पे टावर्स ऑफ हनोई में क्या होता है कि आप एक टाइम पे एक ही डिस्क को मूव कर सकते हो, एंड तो ये क्या है आपकी टावर्स ऑफ हनोई होती है। ठीक है, तो ये क्या था यहाँ पे आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर था। एंड क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्यू डेटा स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड उससे नेक्स्ट क्लास में आपका जो डेटा स्ट्रक्चर के जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी के एग्जाम में 2 और 1 में, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं डेटा स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी वीडियो के एंड में, वो देख लेना। एंड इसी के साथ एक सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम की मेरी एक क्लास अवेलेबल है, 1 आवर की वो क्लास है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। उसमें हर जितनी भी आपकी शॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है ना, उन सभी एल्गोरिदम को विद एग्जाम्पल वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो उस क्लास को एक बार वहाँ पे देख लीजिएगा अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगता है तो, सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।